ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है, दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। ऐसे मिली दो निगाहें मिलती हैं जैसे दो राहें, जागी ये उल्फत पुरानी गाने लगी हैं फिजाएं। ऐसे मिली दो निगाहें मिलती हैं जैसे दो राहें, जागी ये उल्फत पुरानी गाने लगी हैं फिजाएं। प्यार की शहनाइयां बज गई अजब इत्तेफाक है, दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। कभी अजनबी थे अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको साथी पुराने तुम ही हो। ओ, ओ पहले कभी अजनबी थे अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको साथी पुराने तुम ही हो। अरमान की बस गई अजब इत्तेफाक है, दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। अजब इत्तेफाक है।
जब दूर की जगहों से हो जाए प्यार और यात्रा करने में मन लगे हजार बार, तो उसी को कहते हैं तस्वीर। आकाशवाणी गोल्ड में तस्वीर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेके जाएंगे एक बड़ी प्यारी सी जगह, कृष्णा नदी के तट पर मौजूद ये मंदिर दक्षिण भारत के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को दक्षिण के कैलाश के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश में मौजूद श्री शैलम जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। साउथ इंडिया में मौजूद श्री शैलम मंदिर भारत के सबसे पवित्र और सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। तो यहाँ की यात्रा होगी आज और बताएंगे कि इसके आसपास और क्या क्या है हम सबके लिए। शंकर लगे न शंकर, जय जय शिव शंकर, लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। दो दिल मिलते हैं, एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमीन पांव के नीचे आसमान, सौरभ दे सौरभ दे सौरभ दे सौरभ दे, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। मजा आ गया मेरी जान,
शंकर काटा लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का पिया ग्यारह बज के 20 मिनट हो चुके हैं। यह है तस्वीर और तस्वीर में आज हम आपको लेकर क्या हैं श्री शल्लम। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि कृष्णा नदी पर बना श्री शल्लम बांध दक्षिण भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, द्रविड़ शैली में निर्मित एक प्राचीन मंदिर है जिसमें विजयनगर वास्तुकला के नमूने हैं। और साक्षी गणपति मंदिर है। भौगोलिक विवरण अगर हम आपको बताएं तो फिर कृष्णा नदी, मतलब जैसे नदियों के किनारे अक्सर मैं बात करती हूँ जब भी, तो यही बताती हूँ कि नदियों के किनारे जब कोई जगह बनी होती है तो वो अपने आप में एक अलग आध्यात्म रूप कह लीजिए या फिर बहुत सुकून देती है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे, किसी नदी के किनारे यूं ही बैठ जाइए तो अपने आप में आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। श्री शल्लम हैदराबाद की दक्षिण दिशा में स्थित है और इसके साथ साथ यहाँ पर मंदिर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मन मोह लेंगी। बस आपको इस श्री शल्लम की खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि वहाँ जा के देखनी होगी। जब आप देखेंगे तब आप कहेंगे भाई वाह क्या चीज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ मिलेगा। मतलब लेफ्ट राइट इधर उधर, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी चले जाइए आपको एक से बढ़कर एक चीज़ सामने मिलेगी। और हर बार आप सोचेंगे कि हाँ कि इसको हम पहले क्यों नहीं देख पाए थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जगह हमारे लिए इतनी खास हो जाती है कि हम बार बार वहाँ जाना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आप आते हैं हमारे पास बार बार आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तस्वीर में मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे। ऐसा
होली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। होली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। नागार्जुन सागर श्री शल्लम टाइगर रिजर्व, बहुत सुंदर जंगल, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे खतरनाक बाघों पे आप नज़र रख सकते हैं, मतलब अगर आपको नज़र आए तो। ऊबड़ खाबड़ जैसे कि जंगल के रास्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए वैसे तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जब भी आप जाएँ तो एक बार इन सब चीज़ों का आप पता कर लीजिए कि फ़ीस कितनी है, समय कितना देना है, और फोटोग्राफी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या सावधानियाँ रतनी चाहिए जब भी हम जंगल में जाएं। तब I'm
श्री शैलम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कर्नूल जिले में स्थित एक नगर, हैदराबाद से लगभग 232 किलोमीटर दक्षिण में नलमल्ला पहाड़ियों में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ श्री शैलम तस्वीर में है आज। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती। अपने उठा कर मैं क्या मांगता, जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। ऐसा ही होगा, जब आप घूमने जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप कितने रिच हो गए हैं, मतलब जेब से नहीं लेकिन आपके पास अनुभव का खजाना होगा।
शिव मल्लिकार्जुन मंदिर श्री शैलम में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। श्री भामराम महादेवी मंदिर और श्री शैलम दामो अक्का महादेवी गुफाएं हैं, नागालूटी मंदिर है, पलथला गंगा है, चिंचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय है, इष्ट कामेश्वरी मंदिर है, पालाधारा पंचधारा है, और इसके अलावा आप रिसर्च करेंगे ना जब जाएंगे तो। वैसे कई लोग प्लान करके नहीं जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम जाएं और वहां पे हम वो खुद सरप्राइज हो जाएं, अरे वाह ऐसा भी होता है, और ऐसा हो जाता है कई बार। है दीवाने दिल अरे चल कहीं दूर कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। हो जाए हम केक हो जाए।
खोए से हम खोई सी मंजिल अच्छा है चल कहीं दूर निकल जाए जाइए चाहे कितनी भी हाँ संभल के जाइए ये ज्यादा मायने रखता है। ये है आकाशवाणी 100.1 पर। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे जमी से हमें आसमां पर अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है सितारे है रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है ये सितारे जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे कहो के ये रंगीन सपने अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं है मंजिल कहाँ दिल न जाने तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े ही है मंजिल कहाँ दिल न जाने जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे जमीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे आहा, 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 आहा।
अब आपको ये बताएं कि श्रीशैलम पहुंचना कैसे है। हैदराबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सबसे पास पड़ता है, तो यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव है आपकी। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन मरकापुर है, जो दूसरी ट्रेनों के बीच काचीगुड़ा, तुंगभद्रा, प्रशांति, अमरावती, हावड़ा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सबसे जुड़ा हुआ है। नहीं तो फिर सड़क मार्ग है ना, कई लोग अपनी गाड़ी में भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं, ड्राइव करते हैं। अगर अच्छा साथ हो ना आपकी यात्रा में तो बहुत अच्छा लगता है। इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ, कहाँ चल दिए। इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको, हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको, बड़े मासूम कातिल हो सजा देते हो तुम मुझको, बड़े मासूम कातिल हो सजा देते हो तुम मुझको। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ, कहाँ चल दिए। इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है, मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है, तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है, तुम्हारा प्यार ही अब मेरे सहारा है। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ, कहाँ चल दिए। अरे हम जा रहे हैं क्योंकि आज जो है मकर संक्रांति, तो हम जाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, दही चूड़ा होगा, साथ में शक्कर का साथ भी होगा, तिल गुड़ होगा, गज्जक होगी, गुड़ चावल, पूरन पोली, पिन्नी, ओंधियू, पोंगल, कितनी लंबी लिस्ट है, इसलिए जाना तो बनता है क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो आप सबको बहुत सारी बधाई। और मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, जो भी मैंने आपको बताया, शहर का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जिसकी जड़ें 6 शताब्दियों के इतिहास में पाई जाती हैं, और इसे विजयनगर के राजा हरिहर राय ने बनवाया था। कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जाएंगे और देखेंगे और समझ में आ जाएगा। ये खूबसूरती है घूमने की। घूमिए, जितना मन करे घूमिए, पैसे आ जाएंगे जब आप घूमने का मन करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर से मिलने के लिए एक नई तस्वीर में हम आपके साथ होंगे आकाशवाणी गोल्ड पे। बात करूं? कुछ भी रवि, मुझे बहुत डर लगता है।
जाने हमारा क्या होगा। मीना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो। आगे भी पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। अपने चाहो ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ